कुकी टीवी में आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। 14 नवंबर का दिन था। रामनगर के सेंट पॉल स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा था। इस उपलक्ष पर स्कूल प्रशासन ने एक छोटे से मेले का आयोजन किया था, जिसमें सभी बच्चों ने पूरे जोर शोर से हिस्सा लिया और अपनी अपनी दुकानें सजा रखी थी। 10 रुपए लाओ और कॉटन कैंडी ले जाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ आओ कॉटन कैंडी ले जाओ। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इसलिए आओ और एक मजेदार किताब लेकर जाओ। आओ आओ किताब ले जाओ। किताबी कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है, मेरे पास आओ मैं आप सबको सुंदर बना दूंगी। अरे वाह, बच्चे तो बड़े जोर शोर से अपने काम में लगे हुए हैं, इनको तो बस इन्हीं चीजों में मजा आता है। ओहो तो क्या हो गया संजय सर, आओ चलो देखते हैं बच्चे क्या क्या बेच रहे हैं भाई, और उनका थोड़ा हौसला ही बढ़ा देते हैं। क्यों, ठीक है चलो। वो दोनों सबसे पहले प्रेम की दुकान पर पहुँचे। हाँ हाँ आइए सर, सबसे बढ़िया कॉटन कैंडी सिर्फ 10 रुपए में, खाते ही मुस्कुरा जाओगे। अच्छा बच्चू, ठीक है भाई खिलाओ। ये क्या है, ये तो सिर्फ शुगर है, इतनी शुगर खाने से तो सेहत ही खराब हो जाएगी। प्रेम का चेहरा एकदम उतर गया, मानो किसी ने उसके सपनों के गुब्बारे में सुई चुबा दी हो। तभी हनी सर बोले, क्या बात है। अरे भाई संजय, थोड़ा मीठा तो जिंदगी में जरूरी है भाई। वाह भाई वाह, ये तो जबरदस्त है, ये लो संजय तुम भी खाओ। उन्होंने जबरदस्ती कॉटन कैंडी संजय सर के मुंह में रख दी। अरे ये तो सच में टेस्टी है। देखा मैंने कहा था, एक बार खाओगे बार बार आओगे। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा उड़ो मत, अपने पैजामे में रहो। और मैंने तो पैंट पहनी है सर। संजय और हनी सर दोनों हंसते हुए आगे बढ़े और रीना की किताबों की दुकान पर पहुँचे। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कोर्स की किताबें तो इन बच्चों से पढ़ी नहीं जाती और तुम ये कहानियों की किताबें लिए बैठी हो। अरे भाई क्या बात है, ये तो मेरी फेवरेट किताब है। सर ये तो बच्चों वाली किताब है। तो क्या हो गया, मैं भी तो बच्चा ही हूँ भाई। हनी सर को ऐसे देखकर संजय सर और रीना दोनों ही हंस पड़े। अरे क्या कर रहे हो हनी? भाई कहानी अच्छी हो तो बच्चों की हो या बड़ों की, सबको पसंद आती है। ये लो भाई संजय तुम भी पढ़ना। उन्होंने किताब संजय सर को थमा दी और रीना को पैसे दे दिए। अरे हनी तुम तो बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हो। इसलिए तो हनी सर हमारे फेवरेट है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए और पहुँचे रिया की मेकअप की दुकान पर। रिया के पास तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट सजे हुए थे और वो बड़ी प्रोफेशनल तरीके से सबको दिखा रही थी। आइए सर आइए, बताइए क्या दिखा दूं? रिया ये सब क्या बेकार की चीजें लिए बैठी हो, बेचना था तो स्टेशनरी का सामान बेच लेती, ये सब क्या है? रिया ये सुनकर थोड़ी उदास हो गई, लेकिन हनी सर उसे खुश करने के लिए वहाँ मौजूद थे। अरे रिया बेटे ये देखना जरा, ये रंग मुझ पर जमेगा क्या? अरे सर ये तो लड़कियों के लिए है, आप क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई तुमने दुकान लगाई है तो एक ट्राई करना तो बनता है ना भाई। क्या हनी तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सर। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटे। हनी सर ने अचानक संजय सर के गाल पर लिपस्टिक लगा दी। ये लो। संजय सर भी खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। अरे हनी तुम भी ना। क्या लग रहे हो संजय। सारे बच्चों की दुकानों का दौरा करने के बाद
जब दोनों एक साइड जाकर बैठे तो हनी सर ने संजय सर से कहा, संजय कभी कभी हमें बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। भाई हर समय सीरियस रहने से उनकी मासूमियत और खुशियों को हम महसूस नहीं कर पाते। हाँ हनी, शायद तुम सही कह रहे हो। आज मुझे भी मस्ती करने में बहुत मजा आया, लेकिन बच्चों के सामने सख्त बनकर रहना पड़ता है, वरना वो फिर गलत फायदा उठाते हैं। हाँ हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, पर काम अपनी जगह, मस्ती अपनी जगह, क्यों? उस दिन संजय सर ने समझा कि बच्चों के साथ मस्ती करना भी लाइफ का एक अहम हिस्सा है।